स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट क्लास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आप विंडो आर की पेश करेंगे, कीबोर्ड से विंडो आर पेश करेंगे और ये हमारा रन कमांड खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड लिखते हैं रन कमांड से और टाइप करके एंटर मारेंगे और ये खुल जाएगा। खुल गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, खुल रहा है। खुलने के बाद हम लोग यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट लुक। फर्स्ट लुक में यहाँ पे दिख रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट हमको देता है ना। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ये खुल गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे देख रहे, स्क्रीन को देखते हैं पहले। इसी प्रोग्राम का जो टॉप का बार होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। तो ये हमारा दिख रहा है वर्ड जो कि हमारे इस प्रोग्राम का टाइटल है और ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है जो कि हमारे फाइल का टाइटल है ना। अभी फाइल का कोई नाम नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। यदि हम यहाँ पे कोई फाइल का नाम दे देंगे तो हमारे फाइल का जो भी नाम देंगे वो नाम शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे इसके जस्ट नीचे दिखाई पड़ रहा है ये टैब बोलते हैं, है ना, टैब बोलते हैं। पिछले प्रोग्रामों में मेनू पढ़ा होगा, है ना, मेनू देखा होगा। मेनू में क्या होता है, लिस्ट खुलता है और टैब में क्या होता है, स्क्रीन चेंज होती है। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन चेंज हो रही है। जब भी हम खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो यहाँ पे दिखेगा होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये डिफॉल्ट टैब है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल टैब ओपन करते हैं, जैसे हम पिक्चर या रिपोर्ट या ड्राइंग शेप वगैरह यूज करेंगे तब वहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सटर्नल टैब दिखेंगे। एक ये पूरी पट्टी को रिबन बोलते हैं, है ना, और रिबन के कंटेंट होते हैं टैब। और टैब के अंदर, ठीक है, हमारे पास ये एक एक जो ब्लॉक दिखाई पड़ रहे रिबन में, इस एक एक ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ग्रुप। और हर एक ग्रुप का अपना एक नाम है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, हेडिंग, है ना। और रिबन के जस्ट नीचे होता है हमारे पास रूलर, है ना, रूलर जिसका यूज हम लोग मार्जिन सेटिंग के लिए करते हैं, है ना। रूलर पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है डार्क एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन, है ना, मार्जिन एरिया है ये, हमारा लेफ्ट मार्जिन है। फिर देखेंगे हमारे पास ये राइट मार्जिन एरिया है और यहाँ पे रूलर पे यहाँ पे कुछ कंटेंट दिखाई पड़ रहा है जिसको हम लोग ये नीचे वाला जो दिखाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, तो पैराग्राफ सेटिंग के लिए यूज करते हैं। और ये हमारे पास राइट इंडेंट और ये ऊपर का जो पॉइंट है वो फर्स्ट है, पैराग्राफ की पहली लाइन को सेट करने के लिए। ये व्हाइट एरिया इसको हम लोग बोलते हैं हमारा डॉक्यूमेंट एरिया, है ना, वर्किंग एरिया। और ये ब्लिंकिंग करता हुआ हमारे पास क्या है, कर्सर। और हमारा ये टास्क बार के जस्ट ऊपर ये दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें हमारा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे हमने कितने पेज का मैटर बनाया है, कितने लाइन है, कितने पैराग्राफ है, है ना। तो ये हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एमएस वर्ड हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें टाइपिंग जितने भी सारे काम होते हैं सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। इसे लेटर टाइप करना, डेटा बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, रिपोर्ट तैयार करनी, कवर पेज बनाना, बुक टाइपिंग करना, टाइपिंग जितने भी सारे काम है सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx, तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं ऑप्शन पढ़ने। एक यहाँ पे दिख रहा है ये क्लिपबोर्ड होम टैब के पहले ग्रुप को पढ़ते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, है ना। इसमें हम देख रहे हैं कट कॉपी पेस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा उसको आता है पहले से ही। कट कॉपी पेस्ट बहुत जनरल ऑप्शन है जो सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर से। फॉर्मेट प्रिंटर क्या है, जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट को जानते हैं, कॉपी पेस्ट क्या करता है, हमारे मैटर को पेस्ट करता है। जो भी हमने मैटर टाइप किया है उसको सेम मैटर हमें इस पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। उसी प्रकार से हमारा फॉर्मेट प्रिंटर होता है जो कि हमारे फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करता है। फॉर्मेटिंग जैसे हमने मैटर पे कुछ भी अप्लाई किया है, जैसे फॉन्ट कलर किया है, फॉन्ट साइज बढ़ाया है, है ना, या फॉन्ट फेसिंग चेंज किया हुआ, तो इस टाइप की जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह हमने किया हुआ ये क्या हो गया,
फॉन्ट कट कॉपी पेस्ट के बारे में सबको पता है, हम लोग फॉर्मेट पेंटर से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट पेंटर होता है क्या है कि जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट में क्या करते हैं, मैटर कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी प्रकार से फॉर्मेट पेंटर होता है जो कि हमारे फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। फॉर्मेटिंग जैसे आपने ये मैटर में आपने कलर किया है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है ना, फॉन्ट फेसिंग चेंज किया, इस टाइप की जो भी फॉर्मेटिंग किया है, और आप कहते हैं कि यही सेम फॉन्ट फॉर्मेटिंग हमें किसी दूसरे मैटर पे अप्लाई करनी है, तो हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग का फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस करना क्या है कि हमें जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस पर कर्सर रखना है, और फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और फिर जिस मैटर पे अप्लाई करना है बस माउस का लेफ्ट ड्रैग करेंगे और यह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट शी करेंगे, और जिस मैटर पे अप्लाई करनी है बस उस मैटर को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पेस्ट तो पता है, इसमें ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल क्या होता है? पेस्ट स्पेशल जैसे हम नॉर्मल पेस्ट करते हैं, नॉर्मल पेस्ट क्यों करते हैं, कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं ना, क्यों करते हैं, हमें ये सेम मैटर यहाँ पे भी चाहिए और सेम मैटर वहाँ पे भी चाहिए। अगर आपने सेम मैटर दो जगह पे रखा है तो कभी बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी तो आपको दो बार बदलाव करना पड़ता है ना। लेकिन यही का हम कॉपी तो करें लेकिन पेस्ट करने के बजाय पेस्ट स्पेशल करें तो हमें दो बार बदलाव नहीं करना पड़े। तो देखें इसको कैसे करना है। तो पहले जिस मैटर पे आपको पेस्ट स्पेशल अप्लाई करना है फिर उसकी मैटर कॉपी करिए, कॉपी प्लास्टर बनाया कंट्रोल सी से कॉपी, और फिर जहाँ पे पेस्ट स्पेशल अप्लाई करना है वहाँ कर्सर रखिए और वहाँ पे जाइए पेस्ट स्पेशल, या कंट्रोल अल्ट वी करेंगे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन खुलेगा, पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ओके, और ये हमारा पेस्ट स्पेशल हो गया। ये सिंपल पेस्ट नहीं है, पेस्ट स्पेशल है। देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, जहाँ से कॉपी किया वहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे हम जो भी फॉर्मेटिंग करें, फॉर्मेटिंग जैसे कलर चेंज किया, साइज बड़ा किया, बोल्ड किया, हमने यहाँ किया, और देखेंगे ये सब कुछ नीचे भी उस मैटर पे हो गया है ना। इसी प्रकार से हम जो भी इसमें एडिटिंग करें, कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे, हम यहाँ टाइप करें वो सब कुछ टाइपिंग वहाँ नीचे मैटर पे भी हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा पेस्ट स्पेशल का और फॉर्मेट पेंटर का।